लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नांदेड़ ही नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल की मानिंद आगाज करते हुए सियासी तब्दीली का एक इशारा वंचित बहुजन आघाड़ी ने दिया है। इस वंचित बहुजन आघाड़ी की ताकत, इस वंचित बहुजन आघाड़ी के रूहे रवा हमारे खायद आली जनाब एडवोकेट प्रकाश तथा बाड़ा साहब अम्बेडकर साहब, नांदेड़ की सियासत में जो घरानेशाही चल रही है, जो परिवारवाद चल रहा है, इसे जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए और नांदेड़ ज़िले में इन 40 से 70 सालों में चौहान परिवार ने जिन जिन समाज तबकों को दबा और कुचला रखा था, सियासी एतबार से अछूत बनाया था, उन तमाम वंचितों का एल्गार करने के लिए माननीय बाला साहब बरोज़ हफ्ता दोपहर 2 बजे आयशा फंक्शन हॉल के सामने देगलूर नाका एरिया में नांदेड़ उत्तर और दक्षिण दोनों विधानसभा के प्रचार के लिए आ रहे हैं। इसलिए हम नांदेड़ की आवाम से, उत्तर और दक्षिण की आवाम से एक गुजारिश करते हैं कि आपको अगर ये लगता है कि सियासत में अच्छी क़यादत आनी चाहिए, अच्छे नुमाइंदे आने चाहिए, अच्छे MLA MP आने चाहिए, तो आप देखिए माननीय बाला साहब की लीडरशिप की तरफ कि उन्होंने आपके ज़िले को सदर कौन दिया, आपके पास कैंडिडेट कैसे चुनकर दिए, आप पड़ोस के बसमत रहो, परभनी रहो, हिंगोली रहो, लातूर रहो, आप जाकर दीजिए वहाँ पर जो मुस्लिम कैंडिडेट दिए। महाराष्ट्र में 25 कैंडिडेट ऑफिशियली देते हुए तकरीबन 3 या 4 कैंडिडेट्स ऐसे हैं मुस्लिम के जिनको वंचित बहुजन आघाड़ी ने ताईद दी है, उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिए। मिसाल के तौर पर वारिस पठान की ले लीजिए, डॉक्टर खादरी साहब की मिसाल ले लीजिए आप, औरंगाबाद वाले, उनके खिलाफ हमने कैंडिडेट नहीं दिया। हम चाहते हैं कि पढ़े लिखे, एजुकेटेड और अच्छी समझ रखने वाले साहिब समझ एक नई क़यादत मुसलमानों को मिले। ऐसे ही जिस जिस समाज के कैंडिडेट माननीय बाला साहब ने दिए हैं वो सब साफ सुथरे किरदार के और समाज का दर्द रखने वाले लोग हैं। आप चाहते हो कि अच्छे लोग राजनीति में आए, राजनीति अच्छी होनी चाहिए, राजनीति में अच्छे लोग आने चाहिए, तो हमें इस क़यादत की ताईत में शरीक होना पड़ेगा। आपको अच्छे को अच्छा बोलने के लिए, सच्चे को सच्चा बोलने के लिए आपको 4 कदम आगे बढ़कर इस क़यादत की ताईत में आपको शामिल होना पड़ेगा। और हम नांदेड़ की आवाम से, सभी मज़हब के, सभी बिरादरियों के आवाम को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 12 तारीख को दोपहर में 2 बजे देगलू नाका में आकर माननीय बाला साहब को का ये शुक्रिया अदा कीजिए कि आपने हमें महाराष्ट्र में इतने मुस्लिम लोगों को, इतने वंचित घटकों को इंसाफ किया, आपने अच्छे अच्छे कैरेक्टर के लोगों को आपने टिकट देने की जुर्रत की, हिम्मत की है, आप उनकी ताईद करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और आप लोग इसमें शरीक होंगे इंशाल्लाह। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।